नहीं रही पर सेम ही केस है, इसको डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट है नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। हमने फ्लक्स क्यों किया और हमने ये जो गॉस थ्योरम की इसकी क्या एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और इनफाइनाइट वायर, मतलब आपको ये बताना है कि ये एक इनफाइनाइट वायर है और चार्ज्ड है, चार्ज्ड है ठीक, और आपको इसके आर डिस्टेंस पे ई बताना है। आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन किया हुआ है इनफाइनाइट वायर के यहाँ ई, आज ही तो किया, आते ही पहला एक्सप्रेशन यही तो था, चेक कर लो पिछली असाइनमेंट में, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जब लिमिट पुट की थी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक। मैंने कहा था एनसीईआरटी में नहीं आता, वो प्रूफ नहीं आता, एनसीईआरटी में टॉपिक तो आता है ये सेम, पर विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम आता है, मर्जी है उससे करो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, उसे करेगा कौन, तो चार लाइन में इसी से क्लोज करेंगे, क्लियर। तो गॉस थ्योरम से कैसे करना है, मान लो ये आपने इनफाइनाइट एक लाइन चार्ज ली, इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस दूर, परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस दूर आपको ई निकालना है। अब ये भी हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो रूल क्या बोलता है, टेक अ गॉसियन, तो गॉस ने क्या कहा था, जहां ई निकालना है कोई टेंशन नहीं, बस मेरा नाम लो और मेरे नाम की गॉसियन सरफेस बना दो, तो बना दी डीएस, और फिर मेरे नाम की सारी गॉसियन सरफेस को मिला के देखो, आपको क्लोज्ड बॉडी बनेगी, क्या बनी, एक सिलेंडर, तो ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है, रियलिटी में नहीं है, ठीक। वैसे तो सिलेंडर का साइज इनफाइनाइट ही होना चाहिए क्योंकि वायर इनफाइनाइट है, पर इन्फिनिटी के केस कैसे करेंगे, हमने जस्ट इमेजिन कर लिया कि मैंने एल लेंथ का सिलेंडर ही कंसिडर किया अभी, और मैं प्रूव कर दूंगा कि ई की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल, तो एल इसमें मैटर नहीं करेगा। तो मैंने एल लेंथ की वायर ली, मैंने उसके आसपास गॉसियन सरफेस बना दी, गॉसियन सरफेस का स्मॉल एरिया लिया कितना डीएस, तो बना लो डीएस वेक्टर बाहर की तरफ, बनाओ डीएस ऐसे बनाओ बाहर की तरफ, ये लो ठीक। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर आप एक गॉसियन सरफेस लो, ये गॉसियन सरफेस है, ये लो, इस गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर कहां बनेगा, परपेंडिकुलर टू दी एरिया, और जहां ई निकालना है प्लस वन, प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ई की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। सिमिलरली अगर मैं कोई गॉसियन सरफेस यहां लेता हूं तो एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर कहां बनेगा, यहां, तो प्लस वन प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ई वेक्टर यहां। कोई कहेगा कि ये क्लोज बॉडी है तो क्यों ना गॉसियन सरफेस यहां ले लें, हाँ तो यहां ले लो कोई दिक्कत नहीं है, तो एरिया वेक्टर कहां बनेगा, परपेंडिकुलर, पर जहां ई निकालना है प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, तो ई और डीएस में यहां एंगल क्या बनेगा 90। ऐसी यहां एक गॉसियन सरफेस लो तो ये कितना डीएस, प्लस वन रखो प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ई वेक्टर, तो ये 90। ये ड्रॉ कर लो दो इस डायग्राम में, ये चार ड्रॉ कर लो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, इसी डायग्राम में कर लेना। जीरो उसमें, जीरो और उसमें 90। क्लोज्ड है, गॉस ने कहा था मेरी सरफेस मुझे बंद चाहिए, तो नहीं है तो इमेजिनरी बंद ले लो गॉसियन, क्या दिक्कत है, ले भी लोगे नहीं भी लोगे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फ्लक्स जीरो आएगा वहां पे, 90 डिग्री है ना एंगल, लेकिन बंद बॉडी बनानी ही पड़ेगी क्योंकि मुझे क्या लगानी है, गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम क्या कहता है, पहले मुझे क्लोज बॉडी बना के दिखाओ, तो मैंने क्लोज बॉडी बना दी इसमें जहां मुझे ई निकालना है, तो अब मुझे क्या करना है, ये बताओ मुझे यहां फ्लक्स निकलेगा क्या, ई
डी एस कॉस ऑफ 90। तो यहां तो फ्लक्स जीरो और यहां का फ्लक्स भी क्या हो जाएगा जीरो। तो क्या बचा कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस पे डी फाई क्या होगा ई डी एस कॉस जीरो। ई डी एस टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन, फ्लक्स विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस का एरिया बोलो क्या होगा 2 पाई आर एल, क्योंकि सिलेंडर का रेडियस क्या बन चुका है आर और लेंथ कितनी है इसमें एल। तो ये स्टेप क्लियर है ठीक। अब ये मेथड से मैंने क्या निकाला इस सिलेंडर का यानी कि क्लोज बॉडी का टोटल फ्लक्स। अब गॉस ये कहता है कि इतना लंबा करने की जरूरत क्या थी, मेरे से पूछ लेते, मैंने आपको मेथड बता तो दिया बिना इंटीग्रेशन के, वो क्या क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। और क्यू कौन सा जो क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज है, जो बाहर चार्ज है उसके बारे में मत बताना कि मेरी वायर तो इनफाइनाइट थी कि नहीं थी, क्योंकि जो बाहर चार्ज रह गया वो ई में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अंदर का चार्ज बोलो कितना है, अंदर की जो लेंथ है वो कितनी है एल, और क्योंकि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ तो टोटल चार्ज सिलेंडर के अंदर कितना आएगा लैम्डा इंटू एल। लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। क्या स्टेप क्लियर है लैम्डा इंटू एल ठीक। तो एल लेंथ सिलेंडर की वायर के अंदर रह गई, बाकी तो बाहर निकल गई, तो एल लेंथ का चार्ज निकाल दिया जो कि सिलेंडर के अंदर का चार्ज है बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमने ई फ्लक्स दो तरीके से निकाला, बाय इंटीग्रेशन, बाय फ्लक्स, बाय गॉस थ्योरम। इक्वेट कर दो, एल से एल कैंसिल, आंसर एग्जैक्टली सेम। तो जो बड़ी सी इंटीग्रेशन हमने आज की और जो ये किया आंसर सेम है, इसका मतलब ये रिजल्ट एकदम सही है। पॉइंट समझ में आया कि कैसे प्रूव करना है ई, और वैसे तो ये नेक्स्ट टाइम करना है हमने सारा, बट मैं एक एग्जांपल पहला लेने चाहता हूँ।